चाहे जान भी लगा दो, पर ये होकर रहेगा। खुशखबरी, 25 से 31 जुलाई धनुराशि वाले जातक, अब तो आपकी जीत पक्की है। स्वागत है मित्रों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल धनु की दुनिया में। 25 जुलाई से 31 जुलाई तक का ये 7 दिन, ये सप्ताह कैसा रहेगा, साथ ही साथ जुलाई महीने का आखिरी सप्ताह है, खुशखबरी लेकर आ रहा है, कौन सी खुशखबरी आपको सुनने को मिलेगी, इन सारी बातों के बारे में इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कैसा रहेगा ये 7 दिन धनुराशि वाले जातकों के लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी दोस्तों से, भाई बंधुओं से, मित्रों से, माताओं से, बहनों से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे हमारे पहली बार आए हैं तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब कर दिया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की और जानते हैं यह सप्ताह धनुराशि वाले जातकों के लिए कैसा रहने वाला है। दोस्तों यह सप्ताह जो है जातकों के लिए बहुत सारे नए बदलाव, नए परिवर्तन लेकर आ रहा है। सप्ताह की शुरुआत में ही कामकाज के सिलसिले से लंबी या छोटी दूरी की यात्राएं भी आपको करनी पड़ सकती हैं। यात्रा थोड़ी थकान भरी और आशा के अनुकूल परिणाम वाली न होने पर मन थोड़ा हताश तो रहेगा, परंतु इसका फल आपको आने वाले समय में मिलेगा और आपको पता चलेगा कि वो यात्रा आपकी विफल नहीं हुई। दोस्तों इस सप्ताह के दौरान नौकरी पेशा लोगों को कार्यक्षेत्र में कामकाज की अधिकता रहेगी। अपने काम को निपटाने के लिए आपको अधिक मेहनत, अधिक श्रम और समय देना पड़ सकता है। समय पर सीनियर और जूनियर का सहयोग न मिल पाने से मन थोड़ा खिन्न रह सकता है, मन थोड़ा उदास रह सकता है। व्यवसाय से जुड़े लोगों को इस दौरान अपना धन किसी योजना में सोच समझ कर लगाना चाहिए। इस सप्ताह अचानक से होने वाले बड़े खर्चे के कारण आपका बजट थोड़ा खराब हो सकता है। दोस्तों इस राशि के जो जातक हैं, खान पान और अपनी सेहत का विशेष ख्याल रखें, हमारी यही सलाह रहेगी। सप्ताह के अंत तक शारीरिक या फिर मौसमी बीमारियों के प्रति भी थोड़ा सा सतर्क रहें, सावधान रहें। यदि किसी कारण से लव पार्टनर के साथ खटपट चल रही है तो उसे खुद संवाद के माध्यम से सुलझाने का प्रयास करें। दूसरों के भरोसे रहने पर बात बनने के बजाय बिगड़ सकती है। कठिन समय में जीवनसाथी के साथ खड़े रहने से आप राहत महसूस करेंगे। घरेलू महिलाओं का मन पूजा पाठ में अधिक लगेगा। सप्ताह के अंत तक परिवार के साथ किसी तीर्थ यात्रा पर भी जाने का प्लान आप बना सकते हैं। सप्ताह के जो पूर्वार्ध में उन घरेलू समस्याओं का समाधान खोजने में सफल होंगे आप, जो बीते समय से आपके लिए परेशानी का बड़ा कारण बन रही थी। रोजी रोजगार के दिशा में किए गए प्रयास जो हैं सफल रहेंगे। आपको व्यवसाय में मनचाहा लाभ मिलेगा। आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत होगी। नौकरी पेशा लोगों की आय के नए स्रोत बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। आकस्मिक लाभ जो है प्राप्त होने के योग बन रहे हैं। कहीं से रुका हुआ या फिर उधार दिया गया पैसा वापस मिल सकता है। सप्ताह के उत्तरार्ध में आपके काम में कुछ अड़चनें आ सकती हैं, लेकिन आप अपनी सूझबूझ से उसे दूर करने में कामयाब रहेंगे। इस दौरान कामकाज के सिलसिले से लंबी या छोटी दूरी की यात्राएं भी आपको करनी पड़ेंगी, जैसे कि मैंने शुरू में ही आपको बताया। दोस्तों यदि आप पार्ट टाइम व्यवसाय करते हैं तो आपके व्यवसाय को विस्तार करने से पहले धन संबंधी स्थिति को जो है क्लियर करके चलना होगा। प्रेम संबंधी की दृष्टि से ये 7 दिन आपके लिए अनुकूल साबित होने वाले हैं। लव पार्टनर के साथ सुखद समय व्यतीत करेंगे आप। लव पार्टनर से कोई सरप्राइज भी आपको गिफ्ट मिल सकता है। दाम्पत्य जीवन जो है आपका सुखमय बना रहेगा। दोस्तों इस सप्ताह जातकों को थोड़ा ज़्यादा ही व्यस्तता देखने को मिलेगी। सप्ताह की शुरुआत में आपको करियर कारोबार को आगे बढ़ाने के नए अवसर प्राप्त होंगे। कार्य क्षेत्र में पुरानी चीज़ों के साथ नई चीज़ों को आगे बढ़ाने के कुछ मुश्किलें आ सकती हैं, लेकिन आप अपने इष्ट मित्रों और परिवार से मिलने वाले सहयोग से ऐसा अंततः कामयाब हो जाएंगे, ऐसा करने में कामयाब हो जाएंगे, सफल हो जाएंगे। व्यवसाय से जुड़े लोगों को सप्ताह के उत्तरार्ध में समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इस दौरान कारोबार से जुड़े लोगों को अपने कागज़ से जुड़ी चीज़ों को सही करके रखने की सलाह दी जाती है। यदि भूमि भवन या पैतृक संपत्ति से जुड़े कोई मामले कोर्ट कचहरी तक चल रहे थे तो उसके ज़रा ज़्यादा भागदौड़ उसमें करनी पड़ सकती है।
सप्ताह के उत्तरार्ध में किसी धार्मिक सामाजिक कार्य क्षेत्र में भाग लेने के अवसर भी आपको प्राप्त होंगे। इस दौरान आप अपनी किए गए कामों के प्रति रहने वाले सक्रियता और सहयोग के लिए विशेष रूप से सम्मानित भी किए जाएंगे। प्रेम संबंध सामान्य रहने वाला है आपका। लव पार्टनर के साथ बेहतर तालमेल देखने को आपको मिलने वाला है। कठिन समय में आपका लव पार्टनर आपके साथ परछाई की तरह चलेगा, खड़ा रहेगा। वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा। घर में किसी वरिष्ठ सदस्य को लेकर मन थोड़ा चिंतित रह सकता है, इसलिए उनका विशेष ख्याल रखें। प्रतिदिन भगवान शिव को, सावन का महीना चल रहा है, गंगा जल और बेलपत्र चढ़ाकर पूजा और महामृत्युंजय मंत्र का कम से कम एक माला जाप अवश्य करना चाहिए। दोस्तों, इस सप्ताह सफलता और सौभाग्य दोनों का साथ आपको मिलने वाला है। खुशखबरी मिलने वाली है। इस खुशखबरी को कोई कितना भी जोर लगा ले, रोक नहीं पाएगा। सप्ताह की शुरुआत में ही आपके सोचे हुए काम समय से पूरे होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिससे आपके भीतर एक अलग ही उत्साह, एक अलग ही ऊर्जा बनी रहेगी। कार्य क्षेत्र में सीनियर आपके कामकाज की पूरी तरह से प्रशंसा करेंगे, आपके कामकाज से संतुष्ट रहेंगे। दोस्तों, आपके जो है सहकर्मी भी आपकी हर संभव मदद करते हुए दिखाई देंगे। यह सप्ताह राजनीति से जुड़े लोगों के लिए वरदान साबित होने वाला है। कोई बड़ा पद या जिम्मेदारी उनकी झोली में आकर गिर सकती है। इस दौरान व्यवसाय के सिलसिले से की गई यात्रा सुखद एवं फलदायी रहेगी, उम्मीद से ज़्यादा फल देगी। घर परिवार में प्रेम और असमंजस्य बना रहेगा। यदि आप लंबे समय से भूमि भवन या वाहन लेने की सोच रहे थे, तो इस सप्ताह आपकी यह कामना पूरी हो सकती है। परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी में जुटे छात्रों को मनचाही सफलता मिलने के संकेत दिखाई दे रहे हैं, जिससे कि घर में खुशियों का माहौल बना रहेगा। प्रेम संबंध की दृष्टि से, जैसे कि शुरू में ही मैंने बताया आपको, सप्ताह अनुकूल रहने वाला है। आपके पार्टनर्स का विशेष ख्याल रखें। दोस्तों, इस सप्ताह जो है पूर्वार्ध के मुकाबले उत्तरार्ध जो है ज़्यादा बेहतर आपको फल देगा। सप्ताह की शुरुआत उन लोगों के लिए बेहद शुभ साबित होगी जो विदेश से जुड़ा कारोबार करते हैं, या फिर विदेश में जाकर अपने करियर को बनाने या पढ़ाई करने की सोच रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। पारिवारिक दृष्टि से भी यह समय आपके लिए काफ़ी अत्यंत शुभ साबित होगा, अत्यंत फलदायी साबित होगा। घर परिवार से जुड़े मसले को सुलझाते समय आपको बड़ों और छोटों दोनों का पूरा सहयोग मिलेगा। आपके द्वारा किए गए काम को परिवार तथा समाज में जो है मान्यताएं दी जाएंगी। यदि आप व्यवसाय में हैं, तो किसी योजना या कारोबार के लिए पहले से किया गया धन निवेश बड़े लाभ का कारण बनेगा। सप्ताह के उत्तरार्ध में तेजी से हो रही प्रगति में थोड़ा सेहत जो है गड़बड़ा सकता है, बाधक बन सकता है। इस दौरान आप किसी पुरानी बीमारी से उभरने या फिर मौसमी बीमारियों से पीड़ित भी रह सकते हैं, इसलिए इसका विशेष ख्याल रखें। संतान पक्ष से जुड़े किसी परेशानियों को लेकर आँख मूंद कर जो है गलती ना करें, आँख मूंद कर विश्वास ना करें, बाद में आपको पछताना पड़ेगा, इसलिए किसी बात को इग्नोर ना करें, हर एक बात को ध्यान से सुने। पार्टनरशिप में व्यवसाय करते हैं तो आप आँख मूंद कर भी दूसरों पर भरोसा करने से बचें, अन्यथा आपको बड़ा आर्थिक नुकसान झेलना पड़ सकता है। कार्य क्षेत्र में सीनियर और जूनियर से मनचाहा सहयोग न मिलने से मन थोड़ा खिन्न रह सकता है, मन थोड़ा परेशान रह सकता है। हालांकि यह स्थिति लंबे समय तक नहीं रहेगी। सप्ताह के उत्तरार्ध में आपको चीज़ें एक बार फिर पटरी पर लौटती हुई दिखाई देंगी। इस दौरान नौकरी पेशा लोगों की आय के अतिरिक्त स्रोत बनेंगे। सत्ता सरकार से जुड़े काम जो लोग लंबे समय से अटके हुए थे, जिन लोगों का पड़े हुए थे, वो किसी प्रभावी व्यक्ति की मदद से पूरे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। पहले में किस किए गए योजनाओं में निवेश धन से बड़ा लाभ होने की संभावनाएं दिखाई दे रहा है, जिससे आर्थिक समस्याएं आपकी दूर हो जाएंगी, आर्थिक दिक्कतें आपकी दूर हो जाएंगी। इस सप्ताह बार बार आपको बोला जा रहा है कि अपनी सेहत का खूब ख्याल रखें, उससे जुड़ी किसी भी समस्या को नज़रअंदाज ना करें। दोस्तों, यह था साप्ताहिक राशिफल के बारे में हम लोगों ने जाना। उपाय है, पारद शिवलिंग की प्रतिदिन पूजा एवं रुद्राष्टक का पाठ करिए। रुद्राभिषेक अगर आप करा सकते हैं सावन में, जरूर कराना चाहिए, अगर मौका मिले तो करा लीजिए। साथ ही साथ महामृत्युंजय मंत्र का कम से कम एक माला जाप प्रतिदिन अवश्य करें, इससे भोलेनाथ की कृपा आपके ऊपर बनेगी।
तो दोस्तों यही था साप्ताहिक राशिफल आपका। वीडियो अंत तक देखी है आपने तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपना नाम लिखें ताकि पता चल सके आपने वीडियो अंत तक देखी है। भोलेनाथ की जय लिखना ना भूलिएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आप सभी से एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, मुस्कुराते रहें, आसपास सफाई रखें, घर वालों का ख्याल रखें, साथ ही साथ अपना भी ख्याल रखें। मिलते हैं आप सभी से, तब तक के लिए जय भोलेनाथ, हर हर महादेव, बम बम भोले।